आज की इस कक्षा में हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर एक है, दिए गए युग्मों को गुणा कीजिए। तो यहाँ पर इतने प्रश्न हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो मैं ये एफ वाला प्रश्न हल कर रहा हूं। एफ है एल स्क्वायर और एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसको गुणा करना है। तो ये एक पद है, एक पदी है और ये द्विपदी है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको करते हैं गुना। एल स्क्वायर और ये गुना एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो वितरण नियम के अनुसार ये एल स्क्वायर का पहले गुना इससे होगा और फिर इससे होगा। तो ये इस तरह से होगा, एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, घातांक के नियमों से हम जानते हैं ये हो जाएगा एल का घात 4 माइनस ये होगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर। इसी तरह से बाकी जो अन्य प्रश्न है उसे हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2, नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है, आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां लंबाई दिया हुआ है सभी प्रश्नों में और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इनको गुना करेंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये 2a इंटू 3b, तो पहले ये जो अचर है उनका गुना होगा, 2 और 3 का गुना होगा, 2 तिहाई 6, और a और b का गुना होगा तो a b। दूसरा नंबर यहां 3 है और यहां पर संख्यात्मक गुणांक 1 है, तो 3a का 3। उसके बाद ये x स्क्वायर और x का गुना होगा, तो यहां x का घात 2 है और यहां x का घात 1 है, तो घातांक के नियम से ये हो जाएगा x का घात 3। और फिर y देख रहे हैं, यहां y का घात 1 है और y का घात 1 है, तो 1 है 2, तो ये हो गया y स्क्वायर। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल यहां निकालिए। इसके बाद यहां देख रहे हैं तीसरा नंबर ये एक पदी है और ये दो पदी है ना, तो इसका गुना करना होगा। तो ये पहले इसका गुना इससे होगा, चलिए इसको यहां पर करके दिखाते हैं। तीसरा नंबर ये 5lm इंटू एल माइनस 2, तो पहले इसका गुना इससे होगा 5lm इंटू एल और फिर माइनस 5lm इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ और 1 है तो 5, ये l इंटू एल एल स्क्वायर m माइनस ये 5 गुना 10 lm, तो यहाँ हमारा हो गया है 5l स्क्वायर m माइनस 10lm। अब ये देख रहे हैं चौथा नंबर 7a² b² इंटू 3c², तो ये 7 तिहाई 21 हो गया, 7 तिहाई 21। ए स्क्वायर यहां और कोई नहीं है इस a का, तो ये a स्क्वायर हो गया। उसके बाद b² उसके बाद ये c². अब यहां देख रहे हैं, यहां फिर ये दो पदी है और ये एक पदी है, तो पहले 2y का गुना x से होगा, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस, अब 2y का गुना y से होगा, तो 2y² इसी तरह से हम गुना करते हैं।
प्रश्न संख्या 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों में हमें गुना करना है, तो इसका मैं ई नंबर प्रश्न ले रहा हूं। ये है 3/4a² + 3b² और फिर गुना है 4a² - 2y3b². तो आइए इसे गुना करते हैं। तो सबसे पहले ये पहले वाले व्यंजक को हम ज्यों का त्यों उतार दे रहे हैं, और ये जो बाहर 4 है ब्रैकेट से, इस 4 से ब्रैकेट के अंदर के दोनों पदों को हम गुना करते हैं। तो ये 4a² 4a² हो गया, और ये हो गया 4×8/3b². अब हम इसके दोनों पदों से इनको गुना करेंगे, तो ये इस तरह से होगा 3/4a² × 4a² - 8/3b² और ये फिर प्लस है, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, 3b² × 4a² - 8/3b² अब इसका ऐसे गुना होगा वितरण नियम के अनुसार, तो 3/4a² × 4a² उसके बाद यहां है माइनस, फिर इसका गुना इससे होगा, तो 3/4a² × 8/3b² यहां होगा 3 से इसका गुना होगा 3b² इसका गुना इससे हो जाएगा, गुना 4a² और ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3b² × 8/3b². अब यहां पर हम देख रहे हैं ये 4 और ये 4 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल, यहाँ 4×4 4×8 और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ फिर देख रहे हैं ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो अब हमारा क्या बच गया, यहाँ 3a² × a² तो ये हो गया 3a^4 माइनस, अब यहाँ क्या है, ये 2 है संख्यात्मक गुणांक में 2, तो ये 2a² b² और प्लस ये 3×12 12a² b² और ये माइनस 8b^4 b² × b² b^4 तो ये बराबर हो गया 3a^4 यानी 3×3 a^4 और यहां देख रहे हैं -2a² b² है और ये +12a² b² है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +10a² b² और -8b^4 ये हो गया। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये जो दिए गए हैं व्यंजक, इनका स्तंभ विधि से हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो आइए इसे लिखते हैं स्तंभ विधि में, a² + ab + b² और स्तंभ विधि में तो इसे नीचे लिखेंगे गुना a - b। तो a से हम पहले गुणा करते हैं, a से a² करेंगे तो ये हो जाएगा a³, अब a से ab को करेंगे तो a²b और फिर प्लस a और b² तो ab² अब -b से हम इन सारे को गुणा करेंगे, तो -b से a² करेंगे तो -a²b आएगा, तो यहां इसके नीचे लिखेंगे -a²b।
उसके बाद है माइनस से इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और ये ए बी स्क्वायर तो माइनस ए बी स्क्वायर। अब इससे करेंगे माइनस बी को प्लस बी स्क्वायर से तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और बी का बी स्क्वायर से हुआ तो ये बी का घात तीन। अब इसे हम जोड़ते हैं तो यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि ये प्लस ए स्क्वायर बी है और ये माइनस ए स्क्वायर बी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहां भी देख रहे हैं ये भी है, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। प्रश्न संख्या पांच, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसका मैं पांचवा नंबर प्रश्न ले रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा लंबा नजर आ रहा है, तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ a प्लस बी इंटू सी माइनस डी है, तो पहले हम a से c माइनस डी को करेंगे और फिर b से करेंगे, तो ये होगा इस तरह से a इंटू सी माइनस डी प्लस b इंटू सी माइनस डी और फिर प्लस, अब यहाँ भी उसी तरह से करेंगे a से करेंगे c प्लस डी और फिर माइनस b से करेंगे गुना c प्लस डी, और इसके बाद है ये टू से करेंगे इन दोनों को तो टू ए सी प्लस टू बी डी। अब इसे गुना करेंगे ए इंटू सी ए सी माइनस ए डी, ए से डी को किए, बी को सी से तो बी सी माइनस बी से डी को करेंगे तो बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए से डी को किए। अब ये माइनस से कर रहे हैं तो माइनस बी सी और ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस बी डी प्लस टू ए सी प्लस टू बी डी। यहां हम देख रहे हैं ये प्लस बी सी है, प्लस बी सी है और यहां माइनस बी सी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से और कहीं कुछ कट रहा है क्या? ये ए डी है, हाँ ये प्लस ए डी है और ये माइनस ए डी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब जो बच गया उसको देखते हैं क्या बच गया, ए सी और ए सी है यहाँ पर और ये समान पदों को एक जगह लिखते हैं सुविधा के लिए, प्लस ए सी ए सी प्लस ए सी और फिर यहां पर है प्लस टू ए सी प्लस टू ए सी। इसके बाद है माइनस बी डी, माइनस बी डी और फिर ये है माइनस बी डी, माइनस बी डी और ये है फिर प्लस टू बी डी प्लस टू बी डी। तो ये ए सी प्लस ए सी वन ए सी प्लस वन ए सी प्लस टू ए सी, तो ये कितने हो गए दो एक तीन एक चार, तो ये फोर ए सी और यहां माइनस बी डी माइनस बी डी तो ये माइनस टू बी डी हो गए और प्लस टू बी डी। तो यहां पुनः हम देख रहे हैं कि ये माइनस टू बी डी है और ये प्लस टू बी डी है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया फोर ए सी। प्रश्न संख्या छह, एक आयत की लंबाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई तथा चौड़ाई 3 इंटू एक्स माइनस वाई है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां आयत की लंबाई दी हुई है 2 इंटू एक्स प्लस वाई और चौड़ाई दी हुई है 3 इंटू एक्स माइनस वाई, तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम लिखते हैं बराबर लंबाई की जगह 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू चौड़ाई की जगह 3 इंटू एक्स माइनस वाई। आइए इसे गुना करते हैं, तो ये 2 से हम गुना कर देंगे इसमें तो 2x प्लस 2y ये हो गया, ये हमारा लंबाई हो गया 2x प्लस 2y। इसी तरह से चौड़ाई हो गया 3x माइनस
3y। अब हम 2x से इससे गुणा करते हैं 3x माइनस 3y और ये प्लस 2y, तो 2y से अब हम करते हैं इससे गुणा 3x माइनस 3y, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6x स्क्वायर। फिर ये 2x से 3y को करेंगे तो ये -6xy। फिर यहां +2y को 3x से करेंगे तो ये +6xy। फिर ये प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6y स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया। अब यहां देख रहे हैं ये -xy है और ये +xy, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा बच किया गया 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, अर्थात ये 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस y² ये हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया। प्रश्न संख्या 7। एक घनाभ की लंबाई a प्लस बी, चौड़ाई a प्लस 2 एवं ऊंचाई a माइनस बी इकाई है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। और इसके बाद कर दिया हुआ है a बराबर 2 और b बराबर -1 के लिए आयतन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां लंबाई हमारा दिया हुआ है a प्लस बी, चौड़ाई a प्लस 2 और ऊंचाई a माइनस बी। तो हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है, बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आइए सब मान बैठाते हैं। लंबाई है a प्लस बी, चौड़ाई है a प्लस 2 और ऊंचाई है a माइनस बी। तो पहले हम क्रम विनिमय जो नियम है उसके अनुसार पहले से हम सुविधा के अनुसार सजा लेंगे। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, इसको एक साथ रख रहे हैं और a प्लस 2 और इसके बाद साहचर्य नियम के अनुसार इन दोनों की क्रिया हम पहले करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये सुविधाजनक होगा। अब हम यहां गुणा करेंगे इस ब्रैकेट मंझले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया a इंटू ए माइनस बी और ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इधर है बाहर a प्लस 2। अब ये होगा a से गुणा कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये बी से एक करेंगे तो ए बी और ये माइनस बी स्क्वायर और इधर है ए प्लस 2, तो ये माइनस ए बी प्लस ए बी ये कैंसिल हो गया। यहां तो यहां बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस 2। तो अब हम इनका गुणा करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 2 और माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर। तो ये हमारा घनाभ का आयतन आ गया। अब एक शर्त दिया है, जब a is equal to 2 और b is equal to minus 1, तो इस आयतन का मान क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बैठा के, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ये। तो यहां मान बैठाते हैं a की जगह कितना बैठा है 2, तो 2 का घात 3 और ये 2 ए का मान फिर हम यहाँ 2 बैठा रहे हैं, 2 का घात 2 माइनस 2 इंटू बी माइनस 1 का घात 2 माइनस 2 इंटू बी माइनस 1 का घात 2। तो अब हम यहाँ मान देख रहे हैं बराबर 2 का घात 3 यानी 8 हो गया और ये 2 इंटू 2 का घात 2, 2 का घात 2 मतलब 4, तो 4 दुनी 8 और ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 का घात 2, तो माइनस 1 का घात अगर 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 गुना 2 2 हो जाएगा,
ठीक इसी तरह से यहाँ भी दो हो जाएगा। तो ये आठ आठ 16 हो गया और ये माइनस दो और माइनस दो 4 हो गया, तो ये हमारा आ गया 12। अर्थात जब हम आयतन में a बराबर 2 और b बराबर -1 रखते हैं तो हमारा उसका मान आ जा रहा है 12।